बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं कल इमरान खान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में एक महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का वसी वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तज़िया है सियासी सूरत हाल पर, मैं चेयरमैन इमरान खान से उनकी खिदमत भी पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं जिसने इस कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से, हौसले से वक्त गुजारने का मुझे अल्लाह ने हौसला दिया। मैं उन कर्म फरमाओं का बेहद मशकूर हूँ जिनकी दुआएं मुझे गाहे बगाहे, जब मेरी बेटी मुलाकात के लिए आती थी, मेरे वकील मुलाकात के लिए आते थे तो उनके पैगामात मुझे मिलते थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी लीगल टीम का और ख़ास तौर पर तैमूर मलिक साहब का, जिन्होंने दिन रात मेरे केस की पैरवी की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने एक मुफस्सल फैसला दिया जो कि मेरा एमपीओ का ऑर्डर उन्होंने कलदम गैर कानूनी करार दिया और बड़ी तफसीलात हैं उस फैसले में। बहरहाल मुझे डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के कहने पर 3 एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका मेरी नज़र में कोई जवाब बनता नहीं था क्योंकि एक जेल में कैदी जो है वो पब्लिक डिसऑर्डर कैसे कर सकता है। मैं तो कैद में हूँ, मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मेरा तो किसी से रابطہ नहीं है। मैं किसको उकसा सकता हूँ या मैं किसको हिदायत दे सकता हूँ बाहर ना। उसको हमने चैलेंज किया और मैं आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चौधरी अब्दुल अजीज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने जब प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था और उन्होंने उनको मोहलत दी कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप ले आइए। उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी, उन्होंने कहा घंटे में ले आइए, तो जब ना पेश कर सके तो उन्होंने मेरा ऑर्डर किया। ये बताइएगा कि मुझे बात मुकम्मल कर लेते। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का। फैमिली का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब मैं कराची से 9 मई को रवाना हुआ इस्लामाबाद के लिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का सुनकर, तो मेरी अहलिया बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो अस्पताल में थी और मेरे बच्चे परेशान थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी जिम्मेदारियां इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया, जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना,
अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूं, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं, और मेरे बच्चे परेशान थे, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरी जिम्मेदारियाँ इस नौइयत की हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी अहलिया का। उन्होंने कहा तुम्हें अल्लाह के हवाले, आप जाएं और हमारी परवाह ना करें। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया, जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूं, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बइज्जत रिहाई मिल सके। खान साहब से मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से कुछ फसल बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूंगा। थैंक यू। माइनस वन का चल रहा है, मैं मीडिया से बात नहीं।